अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसएफ किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ढाबा स्टाइल चिकन फ्राई की रेसिपी, सिंपल और इजी तरीके से। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आधा किलो विद बोन चिकन ले लिया, इसे अच्छे से हमने वॉश कर लिया। चिकन का सारा पानी हम निकाल देंगे। अब इसके अंदर 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन डालने के बाद इसके अंदर हमने 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, इससे कलर अच्छा आता है, ये कम तीखी होती है। इसके बाद इसमें हमने 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर हमने चिकन तंदूरी मसाला डाल दिए और 1/2 चम्मच काला नमक डाल देंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच हमने ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिए। इसमें अब डालेंगे 50 ग्राम जितना दही डाल देंगे। अब दही डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच से भी कम ऑरेंज रेड फूड कलर, इससे कलर अच्छा आता है। अभी सारे चिकन को मसाले में अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसे हम 1/2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। आपको चाहिए तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हो। अब इसमें डालेंगे 1/2 लींबू का जूस, बीज निकाल कर हमें इसमें लींबू 1/2 निचोड़ लेना है। लींबू का जूस डालने के बाद भी इसे एक बार फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चिकन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिए, अभी इसे रेस्ट के लिए 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे बाद हमने चिकन वापस से ले लिए। अब इसके अंदर हमने 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर के डाल देंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो इसमें आप 3 चम्मच चावल का आटा भी डाल सकते हो। अगर आपको कुरकुरा बनाना है तो इससे हम कॉर्नफ्लावर डाल के फ्राई करेंगे। कॉर्नफ्लावर हमें पहले नहीं मिक्स करना है, फ्राई करते टाइम हमें इसे कॉर्नफ्लावर में मिक्स करना है। अभी कॉर्नफ्लावर को हमने चिकन में अच्छे से मिक्स कर दिए। अब दूसरी तरफ हमने पहले से कढ़ाई में तेल गर्म होने रख दिए थे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके अंदर एक एक पीस करके हमें चिकन के डाल लेने। मीडियम फ्लेम पे हम चिकन को फ्राई करेंगे। अब सारे चिकन को हमने डाल लिए। अभी इसे हल्का हल्का हम हिला देंगे और अच्छा सा उल्टी पलटी करके चिकन को फ्राई करना है। पाँच मिनट के लिए हमने चिकन को अच्छे से उल्टी पलटी करके फ्राई कर लिए। जब तक ये क्रंची ना हो इसे हम फ्राई करेंगे। अब हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी इसे साइड में एक प्लेट में टिश्यू पे निकाल देना है और सारा चिकन ऐसा ही फ्राई कर लेना है। ये हमने ढाबा स्टाइल चिकन फ्राई बनाए, एकदम क्रिस्पी और अंदर से जूसी हमारा चिकन बनकर रेडी है। इससे हम ऊपर से हरा धनिया डाल के गार्निश कर लेंगे और ऊपर से हल्का सा हमें चाट मसाला डाल लेना है। चाट मसाला ऊपर डालने से टेस्ट चिकन में बहुत अच्छा आता है। आप भी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।